हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो हम एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट की यूनिट नंबर फर्स्ट पे थे तो इससे पहले मैं इसकी और भी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टारगेट ऑडियंस के बारे में और हम उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या हमारे बेसिस होते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है तो बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि अपने मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देना छोटी सब यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देना मतलब जिस टाइप के हमारे कंज्यूमर है उसको उस टाइप से हम उसको कैटेगराइज करना तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल मार्केट इंटू हेट्रोजीनियस मार्केट इंटू रिलेटिवली डिस्टिंक्ट होमोजीनियस सब ग्रुप कस्टमर विद कॉमन नीड्स एंड करेक्टरस्टिक्स एंड सिलेक्टिंग वनर मोर सेगमेंट टू टारगेट विद डिस्टिंग मार्केटिंग प्रोग्राम तो इसके अंदर हम क्या करते हैं टोटल मार्केट को जो भी हमारा टोटल मार्केट है उसको हम डिवाइड कर देते हैं सब ग्रुप के अंदर और कस्टमर्स के जो भी कस्टमर है जिनकी कॉमन नीड्स है या कॉमन करेक्टरस्टिक्स हैं उनको हम एक कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं मार्केट सेगमेंटेशन इज अक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो ये एक्सटेंशन है एक ब्रॉडर कंसेप्ट है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का दिस इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द कंसेप्ट इज कस्टमर वैल्यू एंड मस्ट बी कोर एलिमेंट एंड बिजनेस डिसीजन तो ये हमारा यूजफुल होता है अपने बिजनेस डिसीजन को लेने के लिए तो इसके अंदर हम किन बेसिस पे इसको कैटेगरी करते हैं किन बेसिस पे इसको कैटेगराइज करते हैं तो उसमें हमारे चार होते हैं चार सेगमेंट्स होते हैं तो फर्स्ट वन इज ज्योग्राफिक सेकेंड इज डेमोग्राफिक थर्ड इज बिहेवरिस्टिक और फोर्थ आता है साइकोग्राफिक तो फर्स्ट आता है जोग्राफिक जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी क्या नेशन है स्टेट्स क्या है रीजन किस रीजन से बिलोंग करता है एरिया ऑफ सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हैं रूलर और अर्बन एरिया के अंदर फिर उसके बाद आता है डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक के अंदर आता है किसी भी पर्सन की एज कितनी है मतलब हम इसके इसके अंदर कितने एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करने वाले हैं इसके अंदर हम देखते हैं कि हम फीमेल की बात कर रहे हैं या मेल की बात कर रहे हैं एजुकेटेड एजुकेशन की बात करते हैं इसके अंदर फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं कि मतलब जिन लोगों की टेन थाउजेंड इनकम है वो इसके अंदर कैटेगराइज करते हैं तो इसके अंदर इनकम बेसिस पे सोशल क्लास साइज तो इसके अंदर ये सब देखा जाता है बिहेवियर के अंदर आता है कि कस्टमर के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट पहले से यूज़ कर रहा था किस ओकेजन के लिए ले रहा है कि मतलब अगर फेस्टिव सीजन है तो उस हिसाब से वो शॉपिंग करेगा यूजर के स्टेटस को देखते हैं उसके बाद आता है लॉयलिटी कस्टमर रीडिनेस स्टेज साइकोग्राफिक के अंदर आता है जो साइकोलॉजी बताता है किसी भी कस्टमर की तो इसके अंदर हमारे दो फैक्टर होते हैं पर्सनल एंड सेकेंड वन इज लाइफ वेरिएबल लाइफ जो उसके लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है तो ये थे इसके बेसिस जिसके अंदर हम मार्केट सेगमेंटेशन को डिवाइड करते हैं उसके बाद आता है टारगेट ऑडियंस कि किसको हम टारगेट करने वाले हैं मार्केटर शुड फोकस ऑन दोज कस्टमर फॉर विच द प्रोडक्ट इज बेस्ट सूटेड तो इसके अंदर हम उन कस्टमर को फोकस करते हैं जिनके लिए प्रोडक्ट हमने बनाया है एनी ग्रुप ऑफ पीपल कैन बी कॉल्ड एज मार्केट ओनली वैन दे फील नीड टू प्रोडक्ट आर इंटरेस्टेड इन इट And have money to to buy it, it. are willing to spend on it. मतलब हम इसके अंदर उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास मतलब जिनके लिए हमने बनाया है ये प्रोडक्ट और उन्हें फील हो कि हाँ उनको इस प्रोडक्ट की जरूरत है उसके बाद वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड होंगे और उनके पास पैसे होंगे तो वो हमारी प्रोडक्ट को बाय करेंगे टारगेट ऑडियंस आर पीपल हु कैन बी रीच विदर्टिकुलर मैनेज मैनेज एंड अटेन मीडियम उसके बाद आता है हमारा एडवर्टाइजिंग बजट एडवर्टाइजिंग को करने के लिए हमारे पास कितना बजट है ये हमारी एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होती है जो कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं इट शोज दैट टोटल अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग इसके अंदर हम ये देखते हैं कि टोटल हमारे पास कितना मनी है जो हम स्पेंड करने वाले हैं एंड लिस्ट द वे दिस अमाउंट टू बी एलोकेटेड और मतलब हमारे पास जो एडवर्टाइजिंग की मनी है वो कहाँ कहाँ से हम उसको कलेक्ट करने वाले हैं इट इज़ प्रिपेयर फॉर अ स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम इट इज लिमिटिंग फैक्टर विच डिटरमाइन द साइज कैंपेन इट शो द लोकेशन एलोकेशन ऑफ एवेलेबल फंड टू वेरियस एडवर्टीजमेंट एक्टिविटीज इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट एलोकेशन देखते हैं कि कहाँ से हमारे फंड हमारे पास आने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या फैक्टर हमारे अफेक्ट करते है एडवरटाइजिंग बजट को तो फर्स्ट होता है पी एल सी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसके अंदर हमारे फोर स्टेजेस होते हैं जिसको हम पूरा पढ़ते हैं तो उसमें आता है हमारा फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन फिर आता है ग्रोथ मेच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन फिर हम देखते हैं मार्केट साइज कितने मार्केट साइज को हम उसको टारगेट करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग टास्क टू बी एक्म्पलिस्ड इंटेंसिटी कितनी है मतलब हमारे कॉम्पिटिशन जो कॉम्पिटिटर्स है वो कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं फाइनेंशियल रिसोर्स देखते हैं हम, हम कि हमारे पास कितने पैसे अवेलेबल हैं अनएक्सप्लोइटेड सेल पोटेंशियल एडवर्टीजमेंट फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी फ्रिक्वेंसी में हमें एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले uh, करनी है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो भी हमारे प्रोडक्टर्स को डिफ्रेंशिएट करना कॉम्पिटिटर्स uh, के प्रोडक्ट से तो ये होते हैं फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं हमारे एडवर्टाइजिंग बजट को तो अभी हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट ख़त्म होती है और आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपको डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ मिल जाएगी और मेरी प्रीवियस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी थैंक यू